हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। गन्नौर से मौजूदा बीजेपी विधायक निर्मल रानी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह देवेंद्र कौशिक को टिकट दिया गया। राई सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि कृष्णा गहलावत को मैदान में उतारा गया है। पटौदी से मौजूदा भाजपा विधायक सत्यप्रकाश को नज़रअंदाज करते हुए बिमला चौधरी को टिकट मिला है। इसके अलावा बदकल से मौजूदा भाजपा विधायक सीमा त्रिखा का टिकट कट गया है और उनकी जगह धनेश अधलखा बदलकल को उतारा गया है। अब जान लेते हैं किसे कहां से टिकट मिला है। नारायणगढ़ से पवन सैनी, पिहोवा से जय भगवान शर्मा, पुंडरी से सतपाल जाम्बा, असन से योगेंद्र राणा, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय से श्रीमती कृष्णा गहलावत, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, डबवाली से सरदार बलदेव सिंह मंगियाना, एलनाबाद से आमिर चंद मेहता, रोहतक से मनीष ग्रोवर, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, बावल एससी सीट से कृष्णा कुमार, पटौदी एससी सीट से बिमला चौधरी, नूह से संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, पुनहाना से एजाज खान, हाथीन से मनोज रावत, ओडल से हरिंदर सिंह रामरत्न, बदकल से तनिश अदालका को टिकट दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।